रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से हुई बीजेपी नेता के घर से बंदूक चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो बंदूक चोर को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी की गई बंदूक को भी बरामद कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कत्यार ने कहा कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से बंदूक चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने किरण सरदार की तहरीर के आधार पर तत्काल 315 बोर की लाइसेंसी राइफल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस टीम ने बरामदगी के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। अब पुलिस ने दो आरोपियों को दिनेशपुर से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की गई लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये दिनांक 12 नवंबर को एक वादी हैं श्री किरण सरदार, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि इनकी एक लाइसेंसी 315 बोर की बंदूक जो है वो किसी के द्वारा चोरी कर ली गई है, क्योंकि लाइसेंसी वेपन का मामला था और बहुत ही गंभीर अपराध था, तो उसको उतने ही प्रोफेशनल तरीके से डील करने के लिए हम लोगों ने टीम का गठन किया, जिसको इंस्पेक्टर ट्रांजिट कैंप सुंदरम शर्मा और सीओ सिटी नेतृत्व जिन टीमों का कर रहे थे, और इन टीमों ने बहुत ही मेहनत से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की और कुछ पुराने चोरों से पूछताछ की, और इसमें लगातार ये लोग मेहनत करते रहे और 24 घंटे के भीतर ही इस घटना का खुलासा करने में सफलता हासिल की है, जिसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मिथुन और एक दिलीप राय हैं। इनमें जो मिथुन है वो पहले से इनके यहाँ रेंट पर रह चुका था और उसने इनसे किसी विवाद के चलते इनको रंजिशन इनके यहाँ चोरी करी, और वो चोरी करने के बाद जो है इसमें जो दिलीप राय इनके सह अभियुक्त हैं उनका भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट मिला, तो उनकी भी अरेस्टिंग की गई और जो बंदूक है उसको रिकवर किया गया है। और इस प्रकार इस घटना में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग करते हुए इसका बहुत ही कम समय में अनावरण किया है, और इसमें बेसिकली टीम में जो है इंस्पेक्टर के अलावा धीरज टमटा और प्रदीप पंत और इनके साथ दो कांस्टेबल राकेश कंतवाल और दिनेश चंद जो हैं इन्वॉल्व थे, और इन टीम को प्रोत्साहन करने के लिए एसएसपी सर द्वारा इसमें 1500 रुपये का नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। और ये मैसेज हम लगातार देते रहते हैं कि जो भी लोगों को आप अपने यहाँ रेंट पर रखते हैं, किराएदारों का सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग आपके यहाँ रेंट पर रहते हैं